शुक्रिया। जब आप किसी रिश्ते में रहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक होता है जो गलती करते जाता है और एक होता है जो मनाते जाता है, तो सेकंड नंबर का मैं हूँ जी। तो उस पर लिखा है कि जब वो रूठे तो मनाओ मैं उसको, जब वो रूठे तो मनाओ मैं उसको, जब मैं रूठूँ तो मनाओ मैं खुद को, जब वो रूठे तो मनाओ मैं उसको, जब मैं रूठूँ तो मनाओ मैं खुद को, कब तक ऐसे चलाऊँ मैं, कब तक ऐसे चलाऊँ मैं, इश्क दो तरफा होना चाहिए, ऐसा रिश्ता कब तक निभाऊँ मैं, ऐसा रिश्ता कब तक निभाऊँ मैं। मेरा ये मानना है कि रिश्ते में तड़प होनी चाहिए, कि अगर मैं तड़प ना उसका एहसास उसे भी होना चाहिए। तो उस पर लिखा है कि कभी आकर बैठ पास मेरे, कभी लगा मुझे अपने गले, कभी आकर बैठ पास मेरे, कभी लगा मुझे अपने गले, कितना तड़पा हूँ मैं इन रातों में तेरे लिए, कितना तड़पा हूँ मैं इन रातों में तेरे लिए, कभी तू भी मुझसे उस कदर इश्क कर और तड़प मेरे लिए, तड़प मेरे लिए। अब ये इश्क मोहब्बत प्यार से थोड़ा सा परे जा रहे हैं। 14 फरवरी जिसे लोग प्यार का डे कहते हैं, लेकिन उस दिन ने थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज कर दिया है। मैं अपनी पोइट्री के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन का इंसिडेंस क्या था। एक दीदी थे जो साइड से खड़े थे, तो ट्रेडिशनल पहन रखा था उन्होंने, लेकिन कुछ उनको इस तरह से देख रहे थे कि वो रोने लग गए थे। तो वो चीज़ को मैंने फील करके लिखा था कि कभी छूते हैं मुझे अनजान बनकर, कभी छूते हैं मुझे अनजान बनकर, कभी छूते हैं मुझे जानबूझकर, कभी छूते हैं मुझे अनजान बनकर, कभी छूते हैं मुझे जानबूझकर, और अगर कहीं खिसकता थोड़ा दुपट्टा मेरा, और कहीं खिसकता थोड़ा दुपट्टा मेरा, तो बेपर्दा कर देते हैं वहीं खड़े होकर, बेपर्दा कर देते हैं वहीं खड़े होकर। माफ़ी चाहता हूँ जो कहने जा रहा हूँ उसके साथ, हो सकता है कि मेरे भाइयों को बुरा लगे, लेकिन एक बहुत सारों की आदत ही होती है कि अगर कोई लड़की खड़ी है कुछ भी पहना हो, लेकिन ऐसा इमेजिन करेंगे कि लड़की को बहुत ऑकवर्ड फील हो जाए। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। तो उस पर लिखा है कि पर्दे में रहने के बाद भी बेपर्दा की तरह देखते हैं वो, पर्दे में रहने के बाद भी बेपर्दा की तरह देखते हैं वो, मेरे जिस्म से हर रोज खेलकर, मेरे जिस्म से हर रोज खेलकर, खुद को मर्द कहते हैं वो, खुद को मर्द कहते हैं वो। और ये अभी जो चल रहा है कि इश्क मोहब्बत प्यार के नाम पे जो भी कुछ होता है सभी को पता ही है। तो उस पर लिखा है कि चार दीवारों में मैंने उसकी हैवानियत देखी है, चार दीवारों में मैंने उसकी हैवानियत देखी है, चंद मुट्ठी भर लोगों के सामने मैंने उसकी इंसानियत देखी है, चार दीवारों में मैंने उसकी हैवानियत देखी है, चंद मुट्ठी भर लोगों के सामने मैंने उसकी इंसानियत देखी है, और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह कहकर उसने हर रोज मेरे जिस्म की नीलामी की है, हर रोज मेरे जिस्म की नीलामी की है। अभी सोल्जर्स डे आने वाला 15 अगस्त आने वाला है। लिखा था कि जब अपने बेटे का सिलेक्शन आर्मी में होता है तो उसकी माँ क्या फील करती है, क्या सोचती है। मैंने उस पर लिखा है कि आज मेरा बेटा देश का बेटा बनने जा रहा है, आज मेरा बेटा देश का बेटा बनने जा रहा है, जो कहता था माँ तेरे आंचल से दूर नहीं जाना, जो कहता था माँ तेरे आंचल से दूर नहीं जाना, आज वो हंसते हंसते मौत को गले लगाने जा रहा है, आज वो हंसते हंसते मौत को गले लगाने जा रहा है। और हमारे इंडियन आर्मी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे सोल्जर्स कभी किसी से नहीं डरते, ना कभी पीछे हटते हैं। तो उस पर लिखा है कि कभी रुका नहीं वो, कभी झुका नहीं वो, कभी रुका नहीं वो, कभी झुका नहीं वो, जब दुश्मन की गोली आई तो सीना तान के खड़ा रहा, कभी पीछे हटा नहीं वो, कभी पीछे हटा नहीं वो। और जब शहीद हो जाते हैं अपने सोल्जर्स, तो मैंने उस पर लिखा था कि हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश पर नौछावर कर गया। हम वादा भूल जाते हैं जो कि देश से करते हैं, जैसे नेता भूल जाते हैं उसी तरह। तो लिखा है कि हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश पर नौछावर कर गया, भारत माँ से किया हुआ अपना वादा पूरा कर गया, हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश पर नौछावर कर गया, हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश पर नौछावर कर गया, भारत माँ से किया हुआ एक वादा पूरा कर गया, आज एक और वीर शहीद
सपूत हो गया आज और एक वीर शहीद हो गया। एक लास्ट है उसके बाद मैं ख़त्म करना चाहूँगा। शहीद होने के बाद पूरा देश रोता है उस सोल्जर्स के लिए और उसकी माँ भी रोती है। तो बेटा क्या सोचता है, मैंने उस पर लिखा है कि तिरंगे में लिपटा हूँ मैं आज बड़ी आनबान से, के तिरंगे में लिपटा हूँ मैं आज बड़ी आनबान से। माँ तू क्यों रो रही है, माँ तू क्यों रो रही है, तेरा बेटा मरा है बड़ी शान से, तेरा बेटा मरा है बड़ी शान से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर।